नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी सीरीज पसंद आ रही होगी। और आज लेकर आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी आपके जनरल पर, जिसका नाम है मैथ्स डैडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो दोस्तों, मैं आपको याद दिलाऊं कि एक चैप्टर किया था हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत सारा टॉपिक और उसका बहुत बड़ा वेटेज। यूं तो मैं जानता हूं कि मेरे कैलकुलस का वेटेज होता है 44 मार्क्स। जी हां, लगभग 100 में से 44 मार्क्स का कैलकुलस से लगभग 44 मार्क्स का पेपर आता है। अगर आपका पेपर 100 नंबर का बनता है तो, अगर 80 का बनेगा तो आप उसी के हिसाब से जोड़ लीजिए कि भाई आपको 38 से लेकर 37 मार्क्स का वेटेज मिलने ही मिलने वाला है। लेकिन एक और चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद, जिसमें आपको परेशानी आ सकती है। परेशानी, वैसे परेशानी के लिए मैं हूं, वो मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेंटली प्रिपेयर्ड होना जरूरी है कि भाई आपका 80 नंबर का पेपर अगर आता है तो आपका वेटेज रहेगा 8 मार्क्स का डिफरेंशियल इक्वेशन से। जी हां, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको भारी 8 मार्क्स देने वाला है। लेकिन उन 8 मार्क्स को पाने के लिए आपको कोई बहुत ब्रेनी या बहुत इंटेलिजेंट या बहुत बिल्कुल रॉकेट साइंस वाला दिमाग नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ टेम्परमेंट चाहिए, क्योंकि इसमें हमको कुछ इतने टॉपिक से होकर गुजरना पड़ता है। ये 6 टॉपिक आपको बहुत शांतिपूर्वक मेरे साथ करने हैं, बहुत टेम्परमेंट के साथ मेरे साथ करने हैं, और जुड़े रहना है सारे वीडियोस में, और आपको सारे वीडियोस पूरे देखने हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको इन टॉपिक में पकड़ कैसे बनानी है। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे पहले हम लोग एक बहुत ही बेसिक टॉपिक से, जिसका नाम है डिग्री और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि भैया किस तरह से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। सिमिलरली उसके बाद मूव करेंगे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब भाई पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने को बोलेगा, राइट? फिर एक सवाल आएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देगा वो आपको, कुछ और इक्वेशन देगा, और उसमें फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए देगा, और उसके बाद आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, पर उसको किसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। लगभग सारे ही मेथड एक ही तरह के हैं, बस कुछ स्टेप्स चेंज हो जाती हैं, पर कॉन्सेप्ट सब में एक ही रखना है। अब दूसरा यहां पर आएगा फोर्थ टॉपिक यहां पर आएगा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब फोर्थ पॉइंट यहां पर आएगा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको कुछ अंदर की चीजों को वी लेके सॉल्व करना पड़ता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आखिरी आएगा होमोजेनियस। ये टॉपिक भैया इसको नोट कर लो, ये लास्ट का है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कि जब हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा तो इस टॉपिक को हम दोबारा अच्छे से रिग्रेसली करेंगे। तो दोस्तों, यही आपको ध्यान देना है कि किस तरह से आपको सॉल्यूशन निकालना है और किस तरह से ये 6 टॉपिक पे दमदार पकड़ बनानी है। तो दमदार पकड़ बनाने के लिए मैथ्स डैडी आपका आ गया है, बस जुड़े रहिए, साथ रहिए, और हर क्वेश्चन को मेरे साथ पूरा सॉल्व करिएगा। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत ही इजी, इंपॉर्टेंट और घटिया टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई एग्जाम में आने ही वाला है। आपको पता है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलने वाला है, तो उसमें ये आपको दिखने ही दिखने वाला है। और ये इजी क्यों है? क्योंकि भैया दो कौड़ी की चीज है। कैसे समझा रहा हूं मैं, देखिए आप। भैया आपको पता है कि डिग्री क्या होता है, क्योंकि आपने 9th क्लास पास करी है, करी है ना? जी हां। तो 9th क्लास में आपने डिग्री देखा था। डिग्री क्या था? ये होता है डिग्री। डिग्री मतलब ये पॉलीनोमियल है। पॉलीनोमियल कौन सा? 3-डिग्री पॉलीनोमियल। 3-डिग्री पॉलीनोमियल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके x के ऊपर हाईएस्ट पावर होती है 3। तो डिग्री जब भी आप सुनते हैं तो आपको समझ में आता है कि भाई हम बात कर रहे हैं पावर की। जी हाँ, x के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो ये 3-डिग्री पॉलीनोमियल हो गई। वैसे ही यहां पर भी पावर ही कहलाएगी इसकी डिग्री। लेकिन ऑर्डर क्या होता है? नाम से याद करूं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जब आपका ऑर्डर dy/dx, मतलब या dy/dx को आप शो कर सकते हैं y डैश,
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y डबल डैश, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को y ट्रिपल डैश। तो ये है आपके ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। आपको ऑब्वियसली पता है कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हम ऑर्डर में अगर कभी ऐसा दिया होगा तो लिखेंगे 1, ऐसा दिया होगा तो लिखेंगे ऑर्डर 2, और ये है ऑर्डर 3, राइट? तो हम इसको y डैश, y डबल डैश और y ट्रिपल डैश से भी शो कर सकते हैं। तो यहां पर भी आपको पहले ढूंढना है कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। हाईएस्ट ऑर्डर देखिए, यहां पर तो dy by dx है, राइट? तो ऑर्डर पे आप लिख देंगे 1। इज दिस थिंग क्लियर? सिमिलरली अब ऑर्डर जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर है उसके ऊपर डिग्री क्या है, डिग्री 1 है, तो इसका डिग्री भी क्या हो गया, 1। मेरा मतलब यह है सिंपल सिंपल कि सबसे पहले आप किसी भी इक्वेशन में उसका ऑर्डर ढूंढेंगे और उस हाईएस्ट ऑर्डर पे जो भी पावर होगी हाईएस्ट उसको हम बोलेंगे डिग्री। जी हाँ, ऐसा मत सोचना कि भाई अगर यहां पर मैं क्यूब लगा के रखा हुआ हूं तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। नहीं 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 नहीं, आपको डिग्री कैसे पता करनी है, आपको हाईएस्ट ऑर्डर पर, हो सकता है इसका हाईएस्ट ऑर्डर होता डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हो सकता है इसका हाईएस्ट ऑर्डर होता डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, राइट? तो उसके ऊपर जो हाईएस्ट डिग्री होती वो उस पूरे इक्वेशन की डिग्री होती। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, राइट? अब मूव करते हैं यहां पर, आपके पास ये इक्वेशन है, डायरेक्टली तो आप इसका निकाल सकते नहीं हो क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में dy by dx दिया हुआ है, यहां पर भी dy by dx का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ये बात ध्यान रखना हमेशा कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और dy by dx का होल स्क्वायर ये कभी भी इक्वल नहीं होते, ये बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है भाई। ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर और ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दे बोथ आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल, राइट? तो ये कभी गलतफहमी अपने दिमाग में मत रखना। पर यहां पे क्या है, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो क्या आएगा, ये यहां पर भी जाएगा डिनोमिनेटर में आने के कारण, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी आएगा, देख लेते कैसे, राइट? नाउ आफ्टर दिस स्टेप वी विल सेंड दिस dy by dx टू लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस विल मेक इट क्यूब, कुछ ऐसा, राइट? अब यहां पे आपकी ये फाइनल इक्वेशन है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन नहीं थी, राइट? इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा और ये आएगी आपकी सॉल्व करने के बाद। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर तो भैया dy by dx यहां पर भी है, dy by dx यहां पर भी है, उससे ऊपर कोई है ही नहीं, मतलब dy by dx मतलब एक बार डिफरेंशिएशन मतलब ऑर्डर तो हो गया 1, राइट? लेकिन जब हम देखें dy by dx यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो हाईएस्ट पावर किसके पास है, इसके पास है जो कि है 3, यहां पर भी पावर है 1, लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये आएगा dy by dx की पावर 3, तो यहां पे आ गया डिग्री 3। मेरे ख्याल से क्लियर है, अब मूव करते हैं। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, यहां पर dy by dx का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया हुआ है, यहां पे दिया है फर्स्ट ऑर्डर, पर आपको तो पता है ना कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ये अगर पावर 2 लेके आया हुआ है तो इसका ऑर्डर तो 2 है, लेकिन आप बताइए कि dy by dx के ऊपर पावर 2 है, पर क्या इससे कोई भी इंपॉर्टेंस रहेगी, नहीं रहेगी, क्योंकि भैया हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा रहता है हमको सिर्फ और सिर्फ उसकी पावर दिखी रहती है जो कि यहां पर 1, तो आपका डिग्री क्या हुआ, जी हां सही सुना आपने, 1। अब यहां पर देखिए, आपने बोला कि भाई यहां पे तो स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट से कैसे हम लोग गेट रिड करें, तो भैया टू गेट रिड ऑफ स्क्वायर रूट वी हैव टू स्क्वायर, फॉर गेटिंग स्क्वायर ऑफ दिस इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल सेंड दिस एक्स dy by dx टू लेफ्ट हैंड साइड, ट्राई आउट, ओपन दिस ब्रैकेट, ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये फाइनल फॉर्म में आ गया है, राइट? अब मुझे बताओ कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ऑब्वियसली बात है यहां पे देखिए पूरी जगह पे सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, तो बस आपको यहां पर ऑर्डर में लिखना है 1, और सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव में हाईएस्ट डिग्री क्या है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, आपको पता लगे यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो किसी भी 2 को मान लीजिए, 2 इसका क्या है, डिग्री, राइट? तो ऐसे ये सॉल्व किया जाता है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में तो आ ही रहा होगा। अब यहां पर आते हैं, यहां पर आप पहले वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। अब यहां पर आपके पास 5 सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आपने पॉज करके इसको चेक कर ही लिया होगा, लेकिन आपको साफ साफ पता है कि ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, यहां पे स्क्वायर रूट है 1/2, 1/2 है मतलब ये उस तरफ जाकर स्क्वायर बन जाएगा, तो बना दीजिए ना, ये 1/2 जैसे यहां पे आएगा पूरे राइट हैंड साइड को स्क्वायर स्क्वायर कर देगा, राइट?
अब आप बताइए मुझे कि सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। हाईएस्ट ऑर्डर है ये, तो यहां पे ऑर्डर आ गया 2। अब डिग्री बताइए, डिग्री को यहां से निकाल लूं क्या, ये 2, 3 या 6 हो जाएगा, कर दूं क्या ये चीज। हाँ सही बोला आपने, मुझे आवाज आ गई। आप बोल रहे हैं मैथ्स डैडी क्या कर रहे हो, ये है आपका हाईएस्ट ऑर्डर, तो इसी का ऊपर पावर देखो ना, पावर क्या है इसकी, हाईएस्ट 2, तो दिस इज योर डिग्री, राइट। तो मुझे उम्मीद दोस्तों कि इतने सवालों में आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब इस टॉपिक करने के बाद अब आता है सॉल्विंग द इक्वेशन। सॉल्व में क्या करना होता है, बेसिकली आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और इसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ धमाकेदार क्वेश्चन, तो जुड़े रहिए। Everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show.